सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर का जो क्लास पीडीएफ है वो है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पेज बाय पेज आएगा। टुडेज गोल इधर पे लिखा हुआ है, टुडेज गोल टीन ए पैकेजिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद आएगा ये जो मतलब जो स्ट्रक्चर वगैरह है, जो प्रोफेस मेटाफेस एंड अपस्ट्रील फेस, ये सब इसके बाद आएगा। आपका जो क्या होगा, आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, वो सब है इसमें। देखिए आप लोग ये जो है ना, आप इस स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, तो ये शॉर्ट रिविजन के लिए बहुत काम आएगा। तो इसके बाद देखिए प्लानिंग एसिड बेसिक, इसके बाद देखिए ये जो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये तो है सेंट्रोमेरिक डायग्राम है, ये क्रोमोसोम जो है, उसके बाद होता है जो क्रोमोसोम का जो लेवल है मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक तो एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक का जो डायग्राम है ये है। ठीक है, इधर पर देखिए जो मेटासेंट्रिक है बीच में दो साइड सेम होता है, और सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, एक साइड थोड़ा बड़ा होता है एक साइड छोटा होता है। तो एक्रोमेटासेंट्रिक क्या होता है, एक साइड छोटा एक साइड बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो टेलोसेंट्रिक क्या है, वन साइड तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये देख सकते हैं। ये भी देखिए, तो एम पेज क्या होता है, सेल साइकिल सेल डिवीजन। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका जो कमेंट करके लिखता हूँ, ये जो एम पेज होता है ना आपका, ठीक है एम पेज होता है। इसके बाद देखिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या होता है, आपको लिख लेता है। इसके बाद देखिए ये जो होता है एस फेस, मैंने सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये होता है आपका जो मेटाफेस एनाफेस होता है, एम फेस। ठीक है, ये जो होल डायग्राम है ना, G1 टू इंटरफेस जो बायो, ठीक है तो सेल साइकिल। ठीक है, इसके बाद देखिए जो एनसीडी का जो लाइने दिया है, आर यू एवर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन लार्जेस्ट स्टार्ट देयर तो लाइफ फॉर्म ऑफ द सिंगल सेल। ठीक है, यू मे वॉन्ट हाउ टू दिस। ओके, इसके बाद देखिए दिस न्यूली फॉर्म होता है ना, तो ये तो है। इसके बाद देखिए सेल साइकिल का जो एनसीडी का लाइन है वो है पीडीएफ का मॉड्यूल है ये। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ लेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एनसीडी का जो डायग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जी वन फेस और ये है G2 फेस, और ये जो चार फेस है तो टेलोफेस एनाफेस मेटाफेस और क्या है प्रोफेस। ठीक है, इसके बाद देखिए ये सब है। थैंक यू, अतः इसके बाद ख़त्म हो गया। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप वीडियो में कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। ठीक है।